मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास प्रूफ्स पड़े हुए हैं। ये पहले आप देखेंगे, ये कहाँ का है, कहाँ की तस्वीर है? ये मेरे ऑफिस की तस्वीर नहीं है। आपके ऑफिस की नहीं, हॉस्पिटल की है? हॉस्पिटल की है। यस मे बी। जिम्मेवारी आपकी है? नहीं, जिम्मेवारी चेयर पे आप बैठे हैं। बस इसको आप मुझे बताओगे तो मैं पूछ सकता हूँ कौन है, क्या है, मैं पूछ सकता हूँ। ये प्रोडक्ट है हाथ में इनके? इट्स नॉट माय ऑफिस ना, आई कांट से, मैं तो प्रमोटिंग कर रहा हूं। इट्स मेरे पास, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी। ये कौन है यहाँ पे? ये हमारे स्टाफ है, ममता, ममता शर्मा। ये कौन है व्यक्ति जो दूसरा है, इसको आप जानते हैं? नहीं, मुझे आईडी नहीं। कौन है? ये प्रोडक्ट दे रहे हैं इनको? मुझे नजर नहीं आ रहा क्लियर। चश्मा लगा दीजिए। पता नहीं बॉक्स है कोई, आई डोंट नो। आप तो यूज करते हैं दो तीन सालों से? नहीं, ये बॉक्स हमारे प्रोडक्ट का नहीं है कुछ। अच्छा, उससे रिलेटेड नहीं है? नहीं। ये क्या है? ये प्लीज, ये कौन कौन है? एक ममता शर्मा है, दूसरी आई डोंट नो कौन है। नहीं जानते आप इसको? नहीं। आपकी स्टाफ की नहीं है? आई डोंट थिंक। आपके हॉस्पिटल के अंदर ही है ये? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं इसका, इसके पीछे बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। एक इसका जो आप है ना, ये देखना, ये इसमें कौन कौन है। यू आर राइट, मेरी बात सुनो आप, मुझे एक मिनट, हॉस्पिटल का एरिया है, सारी फोटोग्राफ्स आप मुझे जो दिखा रहे हो ना, हॉस्पिटल का एरिया है, सारी फोटोग्राफ्स आप जो मुझे दिखा रहे हो, एक मिनट एक मिनट, इट इज नॉट कंसर्निंग मी, ठीक है ना, इट इज कंसर्निंग हॉस्पिटल का एरिया है। आई विल सी। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अरुण शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका न्यू सर इंडिया में। थैंक यू अरुण सर। अगर हम बात करें आपके इस हॉस्पिटल की, क्या ऐसा संभव है कि यहाँ पे कोई प्राइवेट या प्रोडक्ट जो है, या कोई कंपनी, या जो वो चैन सिस्टम बनाने का जो प्रोडक्ट है, उसको यहाँ पे सेल किया जा सके? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पर आप जो बात कर रहे हो, पूछ रहे हो, जो इशारा जिस तरफ कर रहे हो, मैं जानता हूँ उस बात को। एंड मुझे इवन प्रिंसिपल सर से भी मेरी एक दो बार इस बारे में बात हो चुकी है। जब कोई किसी चीज़ की कोई चिंगारी हो तो उसकी हवा थोड़ी सी उड़ती है। हवा इसलिए उड़ती है कि उसको लोग, कुछ लोग उसके उसके फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे प्राइवेट प्रोडक्ट एज सच डायरेक्टली कोई भी अवेलेबल नहीं है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लाई हूँ, मेरी वाइफ जो है एक प्राइवेट बिजनेस करती है, उस पर वो प्रोडक्ट्स की सेल होती है, सब कुछ होता है, तो बस उनके साथ मैं लिंक्ड हूँ, मैं उनको यूज़ करता हूँ, उन प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ करता हूँ। आई एम ए यूज़र ऑफ दोज प्रोडक्ट, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एंड आई ऑल्सो हेल्प हर इन मेकिंग प्रेजेंटेशंस एंड अदर थिंग, क्योंकि डिजीज़ के रिलेटेड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सब डिजीज़ क्या है क्या नहीं है वो मेरे को जानकारी है, वो प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ, करता हूँ अपने ऑफ टाइम में, आफ्टर 5 o'clock। उसके अलावा हमारा हेल्थ क्लब होता है, हम रन करते हैं। तो बड़ी बारी मैंने भी ये सुना कि हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पर ऐसा कुछ है, पर अगर हमारा एम्प्लॉई अपने ऑफिस टाइमिंग में, जो भी उसका ऑफिस टाइमिंग है, या इवनिंग आवर्स है, मॉर्निंग आवर्स है, नाइट आवर्स है, उसमें ये अगर काम करता है तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इंक्लूडिंग मी। मैं इस बात को कभी प्रमोट नहीं करता, मैं अपने वाइफ के नाम को कभी प्रमोट नहीं करता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा काम करे जो उसको प्रमोट करे। अगर उसका ये बिजनेस किसी का प्रोडक्ट को कोई काम ले रहा है, यूज कर रहा है, वो किसी पर्सनल लाइफ है उसके, अपने पर्सनल लाइफ तक ही रखे। ऑफिशियली जो है 9 to 4 और 8 to 2, 2 to 8, 8 to 8 जो उसके ड्यूटी आवर्स होते हैं, उसके दौरान यहाँ पे कोई इसको प्रोपोगेट करता है या मेरा नाम बीच में लगाता है, तो इट्स हाईली ऑब्जेक्शनेबल, और मैं ऐसे एम्प्लॉई के साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, और अगर हो सका तो उसको अटैच कर दूंगा या उसको सस्पेंड करके प्रिंसिपल के पास भेजूंगा। इसके लिए मैंने अपने ऑफिसर्स को, मैटरन को, अपने नोडल ऑफिसर अनीश जो मेरे नोडल ऑफिसर है, मैटर है मेरे इंचार्जेस को, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि नोबडी विल गेट इन्फ्लुएंस बाय एनी काइंड ऑफ प्राइवेट बिजनेस ड्यूरिंग देयर ड्यूटी आवर्स। अरुण सर, बाकियों की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपके ही इसी ऑफिस में आपके ये कंप्यूटर स्क्रीन प्लीज दिखाइए। ये कंप्यूटर स्क्रीन पे वही प्रोडक्ट, हर्बल लाइफ प्रोडक्ट क्या कर रहा है? वो प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रेजेंटेशन है, मेरी वाइफ की प्रेजेंटेशन है, क्योंकि वाइफ प्रेजेंटेशन, मैं पहले मॉर्निंग इवनिंग क्लब में मैं भी प्रेजेंट किया करता था 2 साल पहले, रिलेटेड टू डिजीजेज एंड प्रोडक्ट करता था मैं, दैट इज़ माय प्राइवेट बिजनेस एंड ड्यूरिंग माय मॉर्निंग क्लब। पिछले 1 साल से मैंने बिल्कुल उसको बंद कर दिया, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड
ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स और आफ्टर ड्यूटी आवर्स। आई हैव इवन स्टॉप्ड आफ्टर ड्यूटी आवर्स। मैं ड्यूटी आवर्स के बाद भी करता था मॉर्निंग या इवनिंग में। इवनिंग क्लब जैसे एक्सरसाइज या प्रेजेंटेशन होती थी डिजीज के बारे में हमारे जो प्राइवेट उसमें बताया जाता था। आई डोंट प्रमोट एनी काइंड ऑफ दिस बिजनेस एंड आई वॉर्न माई ऑल माई एम्प्लॉइज। आई वॉर्न इट कि अगर कोई भी इसमें पाया गया और मेरे ऑफिस में इस काइंड का करेगा बिहेवियर, मेरे पास ऐसी चीज़ को लेके आएगा या मुझे पता लगेगी, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड उसको प्रिंसिपल को रिपोर्ट किया जाएगा। एंड इवन मैं आई कैन टेल यू दैट अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरा ओपन है स्टाफ पूरा आपके सामने। आप किसी भी स्टाफ से इंटरव्यू कर सकते हो, किसी भी पेशेंट से इंटरव्यू कर सकते हो, एनी ऑफिसर वर्किंग इन हॉस्पिटल। इफ आई हैव एवर प्रमोटेड और टॉक्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट, प्राइवेट प्रोडक्ट टू एनीबडी। क्या ये सिस्टम आपका खरीदा हुआ है? नहीं, सिस्टम तो मेरा खरीदा हुआ नहीं है, बट मेरी प्रेजेंटेशन है ना उसमें। यस, इट इज द प्रेजेंटेशन आई हैव कैप्ट। प्राइवेट प्रोडक्ट क्या करेगा वहां पे? प्रोडक्ट इज नॉट इनसाइड, दैट इज अ प्रेजेंटेशन व्हिच इज इनसाइड दैट। प्रेजेंटेशन के एंड में प्रोडक्ट की फीचर है वो मैंने इवनिंग का आई टोल्ड यू आई सेड फ्रॉम 9। लैपटॉप पे कर सकते हो, अपने घर पे कर सकते हो, यहाँ पे क्यों? लैपटॉप पे भी है, मेरे घर में भी है, इसके अंदर मैंने रखा हूँ, पर आई हैव एवर शोन टू एनीबडी। कोई मुझे अगर बता दे किसी को प्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है यहाँ पे या किसी को प्रोडक्ट दिखाया है या किसी को प्रमोट किए हैं, आई हैव नॉट प्रमोटेड। यू कैन आस्क एनी ऑफ द स्टाफ। उस चीज को आप गलत नहीं मानते हैं कि आपके सिस्टम में वो है? सिस्टम के अंदर है, उसको मैंने किसी को प्रमोट नहीं किया है। I am not promoted. That is because of my wife and मेरी बीवी अगर कोई काम करती है, doesn't mean कि I am involved in that. वो यहाँ पे तो नहीं बैठते होंगे? नहीं, वो नहीं चेयर पे? नहीं, वो यहाँ नहीं आता। आपके सिस्टम में क्या कर रहा है? I am not involved in that. उसको उनको वो इस पे मैंने हॉस्पिटल में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करता हूँ और ना मैं चाहूंगा वो इन्वॉल्व हो। हॉस्पिटल के अंदर इस चारदीवारी के अंदर आपके टेबल्स पे वो प्रोडक्ट रखा जाता है, उसको सेल किया जाता है, पेशेंट्स को दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है लोगों को, अपने कुलीग्स को जो है वो मोटिवेट करते हैं, जो लोग नहीं मानते उनको हरासमेंट किया जाता है। मेरे टेबल से आप पूछते किसी से, अगर मेरे टेबल से यहाँ से किसी ने किया हो? मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास प्रूफ्स पड़े हुए हैं। ये पहले आप देखेंगे ये कहाँ का है, कहाँ की तस्वीर है? मेरे ऑफिस की तस्वीर नहीं है। आपके ऑफिस की नहीं, हॉस्पिटल की है? हॉस्पिटल की है। यस, मे बी। जिम्मेवारी आपकी है? नहीं, जिम्मेवारी चेयर पे आप बैठे हैं। बस इसको आप मुझे बताओगे तो मैं पूछ सकता हूँ कौन है, क्या है, मैं पूछ सकता हूँ। ये प्रोडक्ट है हाथ में इनके? इट्स नॉट माय ऑफिस ना, आई कांट से, मैं तो प्रमोट नहीं कर रहा। इट्स मेरे पास, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी। ये कौन है यहाँ पे? ये हमारे स्टाफ है, ममता। ममता शर्मा। ये कौन है व्यक्ति जो दूसरा है, इसको आप जानते हैं? नहीं, मुझे आईडी नहीं। कौन है? ये प्रोडक्ट दे रहे हैं इनको? मुझे नजर नहीं आ रहा क्लियर। चश्मा लगा दीजिए। पता नहीं बॉक्स है कोई, आई डोंट नो। आप तो यूज करते हैं 2-3 सालों से? नहीं, ये बॉक्स हमारे प्रोडक्ट का नहीं है कुछ। अच्छा, उससे रिलेटेड नहीं है? नहीं। ये क्या है? ये प्लीज, ये कौन कौन है? एक तो ममता शर्मा है, दूसरी आई डोंट नो कौन है। नहीं जानते आप इसको? नहीं। आपकी स्टाफ की नहीं है? आई डोंट थिंक। आपके हॉस्पिटल के अंदर ही है ये? पता नहीं, मुझे आईडिया नहीं इसका, इसके पीछे बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। अच्छा, एक इसका जो आप है ना, ये देखना, यू आर राइट, मेरी बात सुनो। अब मुझे एक मिनट, हॉस्पिटल का एरिया है, सारी फोटोग्राफ्स आप मुझे जो दिखा रहे हो ना, हॉस्पिटल का एरिया है, सारी फोटोग्राफ्स आप जो मुझे दिखा रहे हो, एक मिनट, इट इज नॉट कंसर्निंग मी, ठीक है ना? इट इज कंसर्निंग हॉस्पिटल का एरिया है। आई विल सी इट, हॉस्पिटल का एरिया है सर। एक पर्टिकुलर, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं दिखा रहा हूं। ओके ओके, आई एग्री विद। अब मेरा बीच में इस पे क्या लेना देना, मैं इसको पकड़ूंगा, आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल फाइंड आउट क्या है ये, क्या है ये। यस, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, ये मेरी प्रेजेंटेशन है जो मैंने प्रेजेंट की है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। मॉर्निंग 6-7 हमारा क्लब होता है, उसमें मैं पहले करता रहा हूँ और मैंने बिल्कुल नहीं करता है। ये तो प्रेजेंटेशन है जो हेल्थ क्लब हमारा मॉर्निंग में 6-7 चलता है, उसकी प्रेजेंटेशन है। कंप्यूटर स्क्रीन वाला तो आप मान रहे हैं कि आपके पास है? मेरे पास कंप्यूटर में मैंने प्रेजेंटेशन रखी है, मैंने प्रेजेंटेशन अपने कंप्यूटर में रखी हुई है अंदर। इवनिंग आवर्स में जब 5-6 बजे कभी बैठता हूँ, प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ, वाइफ कभी हेल्प करता हूँ उसकी, बिकॉज आई लीव एट सेवन, तो 4-5 बजे के बाद मैं प्रेजेंटेशन चेक करता हूँ। मैंने किसी को प्रेजेंटेशन कभी शो नहीं की, आई हैव नेवर आस्क्ड एनीबडी, आई हैव नेवर इन्फ्लुएंस्ड एनीबडी। मेरे ऑफिस से मैंने किसी को इन्फ्लुएंस किया हो, यू कैन टॉक टू ऑल माई स्टाफ। आपके स्टाफ के लोग जो कर रहे हैं? हाँ, वो मैं फाइंड आउट करूंगा, उसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा सबको, कर रहा है तो स्ट्रिक्टली इट शुड नॉट बी डन।
इट शुड नॉट बी डन। आज तक आपकी नॉलेज में नहीं था? मेरे नॉलेज में था, थोड़ा बहुत था, और मैंने इनको बोला था ऑफिस आवर्स में नहीं करना है। आई हैव इश्यूड इंस्ट्रक्शंस दैट इट शुड नॉट बी डन इन द ऑफिस आवर्स। हमने तो यहाँ तक सुना कि ऑपरेशन थिएटर में लोगों को मोटिवेट किया जाता है। आप ऑपरेशन थिएटर का इंटरव्यू ले सकते हो, मैं भी फाइंड आउट करूंगा। 10 to 4 इट इज नॉट डन। आई एम नॉट सीन 10 to 4। मैं क्योंकि राउंड स्पेशल खुद मारता हूँ, राउंड जाके अगर कैसा होगा तो पकड़ लूंगा। ऑफिशियल आवर्स में अगर किसी ने किया हो मैं कह नहीं सकता, आफ्टर ऑफिशियल आवर्स किसी ने किया होगा आई डोंट नो, बट मैंने कभी इसको, मैंने राउंड्स मारे हैं, सब कुछ किया है। इट मे हैव बीन डन आउटसाइड ऑफिशियल आवर्स। अब इसका अगर फोटोग्राफ भी अगर है, अगर बाद में कोई कर रहा है 5 बजे 6 बजे या संडे को कर रहा है, हॉस्पिटल के अंदर अलाउड है? आई सच आई विल नॉट अलाउड। के बाद भी अलाउड है? मैं अगर पकड़ूंगा तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं नहीं अलाउ करूंगा, आई विल नॉट अलाउड। किस तरह का एक्शन लेंगे? मैं अब लगाऊंगा टीम अपनी सारी देखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कौन कर रहा है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी सच थिंग। इफ समबडी एल्स इज डूइंग इट आई विल कैच होल्ड ऑफ इट, वो मैं देखूंगा। और मेरे नाम लेके करेगा कोई या कुछ और करेगा, दैट इज नॉट टॉलरेबल। हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि पेशेंट्स को मतलब इतना मोटिवेट किया जाता है, आपको अच्छा इलाज मिलेगा, दवाइयाँ फ्री मिलेंगी, आप इसको ले लीजिए। मैंने आपको पेशेंट्स का राउंड कराया आज, अब सारे पेशेंट से पूछ लो। आप ऊपर फोर्थ फ्लोर पे गए थे, नथिंग आउट ऑफ पॉकेट इज स्पेंडेड, सारी की सारी मेडिसिन हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। अगर उन लोगों को कुछ लिया होता, खरीदा होता, बोलते आपको नहीं। मैं आपको पिक्स दिखा रहा हूँ, आपको फोटो पूछ, प्रोडक्ट क्या है ऑन स्पॉट आप पूछ लो ना जाके। वो पिक्स आप दिखा रहे हो प्राइवेट लोग, आई डोंट नो उनको, मैं जानता नहीं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सर, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, अटेंडेंट्स आ रहे हैं, वो भी मोटिवेट किए जा रहे हैं प्रोडक्ट्स की, प्राइवेट लोग हैं हॉस्पिटल के अंदर। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट एग्री विद इट। इसके लिए मैं एक्शन, अगर ऐसा कुछ है जेलसी की वजह से कोई एक दूसरे को अगर कर रहा है, दो लेडीज अगर परफॉर्म कर रही है आपस में जेलस है, और आपस में लड़ाई की वजह से अगर कोई एक दूसरे की फोटोग्राफ खींच के भेज रही है, ये आपस की लड़ाई है, लेडीज की लड़ाई जो है और देर इज हैपनिंग, उनके बीच में लड़ाइयां हो रही है। बात मसला लड़ाई का नहीं है, मसला सही और गलत का है, वो भी है। क्या ये चीज हॉस्पिटल में होना सही है? नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं नहीं होना चाहिए, पर कोई ऑफिस आज के बाद संडे को कर रहा है, मैं उसको क्या कह सकता हूं? मुझे हॉस्पिटल के अंदर नहीं करेगा ना, इफ आई कैच होल्ड ऑफ हिम तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं ना। अब आपने कैच किया? हाँ मैं देखता हूँ, लास्ट इसको हम उसका एक्शन लेंगे, उसका आई विल राइट एन एक्सप्लेनेशन टू हर। अपने खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप, जो कंप्यूटर्स का आप यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंप्यूटर है, हॉस्पिटल का है, और आप उसका आई एम नॉट शोइंग इट टू एनीबॉडी। मैंने किसी को शो नहीं किया, कभी किसी को शो नहीं किया। आपके हिसाब से वहां पे है वो गलत नहीं है? इट इज जस्ट सेव्ड इनसाइड दैट। शाम को कभी मैंने लैपटॉप पे मैंने ट्रांसफर करना, ट्रैपॉक खोल के मैं उसमें देखता हूँ, वो मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं पर्सनल यूज करता हूँ, आई डोंट। यहाँ पे पर्सनल लाइफ नहीं ना आपकी? नहीं, यहाँ पे ड्यूटी आवर्स के बाद है। हाँ, ड्यूटी आवर्स के बाद ही बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये सिस्टम आपका पर्सनल नहीं ना है? शाम के बाद में जो बैठा होता हूँ तो मेरा पर्सनल में काम नहीं कर सकता। नहीं सर, ये आपका पर्सनल नहीं है। मेरे पास लैपटॉप भी है, ये भी है, आई कैन डू इट आफ्टर रूटीन आवर्स, आई कैन डू समथिंग। और मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस, डोंट ब्लेम मी दैट आई एम डूइंग ए बिजनेस। मैंने आपको ब्लेम किया नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सवाल कर रहा हूँ। माय वाइफ इज डूइंग इट एंड डोंट लिंक इट विद टू हर। मेरी वाइफ है तो आई कांट डाइवोर्स हर ना, शी इज डूइंग समथिंग समथिंग। हम कभी आपको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि आप इल्जाम मत लगाओ ना कि मैं कर रहा हूं। अगर मैंने किसी, मैं आपके सिस्टम की बात करूं, इसमें क्या कर रहा है? इस सिस्टम से अगर मैंने किसी को इन्फ्लुएंस किया है, इफ आई हैव इन्फ्लुएंस समबडी, आई हैव कॉल्ड समबडी, किसी को मैंने बिठा के कुछ दिखाया प्रेजेंटेशन इस ऑफिस में, ऑल स्टार्ट मैं उनको राइटिंग में पूछूंगा क्यों है क्या है, एंड आई विल फॉरवर्ड टू द हायर अथॉरिटी। अगर कोई एक्शन लेना भी है तो एक्शन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है जी। आई विल राइट टू द हायर अथॉरिटी। और ऐसे अगर मेरी इमेज को कोई टार्निश करने की कोशिश कर रहा है जानबूझ के कि डॉक्टर अरुण इज डूइंग दैट, तो उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हायर अथॉरिटीज को कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, फाइंड आउट हु इज द रूट कॉज ऑफ इट। ऐसे ऐसे तो हिट एंड ट्राई कैन रन तो नहीं चलेगा ना। किसी भी ऑफिसर की अब इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे विद शोइंग फ्यू फोटोग्राफ्स जो उसको उसको पता नहीं है, छुपा के ली गई है, तो इफ आई कम टू नो अबाउट इट नॉट टुडे आई कम टू नो अबाउट इट, हम इसको देखेंगे क्या कर रहे हैं। मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर वो चीज सामने आ रही है आपके हिसाब से गलत है? गलत है वो आपके हिसाब से गलत? मेरे हिसाब से गलत। कैसे? जो फोटोग्राफ दिखाई गई है मेरे हिसाब से गलत है, मैं बात उसकी आई विल राइट एन एक्सप्लेनेशन। जो हो रहा है वो आपके हिसाब से सही है? जो प्राइवेट प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किया, मैं एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगा उसकी। आप कह रहे हो फोटो लिया गया है, वो चीज सामने लाई जा रही है, वो गलत है। गलत कैसे? अगर गलत चीज को सामने लाया जाए तो डोंट मिस इंटरप्रेट मी, डोंट मिस इंटरप्रेट मी। मैं ये बोल रहा हूँ, किसी ने अगर चोरी से फोटो खींची है और मुझे आज आप दिखा रहे हो, ये फोटोग्राफ्स हमने मुझे पहले तो नहीं दिखाई ना, आप मुझे अगर फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, आपसे कभी मिला हूं? आप कभी आया हूं मैं आपसे? आप मुझे मिले नहीं, या मैंने फोन पे आपको बोला कि मेरे पास इस तरह की कोई स्टोरी है, तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन मेरे से पहले भी लेना चाहिए, आपसे बात पहले भी लेना चाहिए था विदाउट पुटिंग इट ऑन एयर। तो आपको ये अगर आपने सामने, हमने एयर कौन सा किया अभी तक? अगर ये हमने किया कौन सा, आपने ये मेरे सामने अगर चीजें लाई है, मैं इसको इंक्वायर करूंगा इंक्वायरी कमेटी में, तो आई रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू फॉर्म इंक्वायरी कमेटी।
वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, मुझे तो उसमें कोई लेना देना नहीं है। आई विल नॉट नॉट गेट एनीबॉडी टू डिस्ट्रॉय माय इमेज। इमेज के ऊपर जब सवाल आएगा तो जो इसमें इन्वॉल्व होगा वो इसमें फंसेगा। आई विल राइट टू द प्रिंसिपल आल्सो, चाहे वो आप खुद भी क्यों ना हो। यस, व्हाई नॉट मी आल्सो। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि ऐसा प्राइवेट बिजनेस हॉस्पिटल्स में नहीं करना चाहिए। इफ समबडी इज डूइंग इट, इट्स वेरी रॉन्ग, और वो इसके लिए पनिशेबल है। एंड पीपल एट द हायर सिटिंग एट द हायर चेयर्स, आई रिक्वेस्ट देम कि इसके लिए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई है की जाए। मैं अपने हॉस्पिटल में भी आई विल राइट एक्सप्लेनेशन एंड डू एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी फ्रॉम माय हॉस्पिटल साइड आल्सो। आई विल फॉर्म अ कमेटी व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन। मैंने ऑलरेडी कमेटी पहले से ही बना दी है इंटरनल इंक्वायरी। यस, आपको पता है मैंने इंटरनल इंक्वायरी की कमेटी ऑलरेडी बना दी। जब मुझे प्रिंसिपल सर ने एक दो बार बोला, आई हैव ऑलरेडी कंस्टिट्यूटेड इंटरनल इंक्वायरी कमेटी, बट वो पीपल कैन थिंक दैट इज बायस्ड। आई विल उसकी जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी आई विल फॉरवर्ड टू द प्रिंसिपल फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट अरुण शर्मा जी। आपकी सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरा मैन शाहनवाज के साथ।